हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जेके विजन पर। क्या आप जानते हैं कि यूरोप के वो कौन से 5 देश हैं जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। आखिर इन देशों में मुसलमानों की संख्या कितनी है और क्या यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों का ही दबदबा है या फिर कोई और धर्म के लोग भी यहाँ देखे जाते हैं, और क्या ये देश सिर्फ अपनी मुस्लिम ताकत की वजह से जाने जाते हैं या फिर इन देशों में कुछ अलग ही खासियत देखने को मिलती है। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं यूरोप के उन देशों की सफर पर। रूस पहले नंबर पर आता है। यूरोप का मुस्लिम देश रूस, जहां पर दूसरे देशों के मुकाबले में ज्यादा संख्या में मुसलमान देखे जाते हैं। साथ ही पूरी दुनिया में रूस की लोगों का सबसे अच्छा बिहेवियर भी माना जाता है। यहाँ के लोग बड़े ही फ्रेंडली होते हैं और जो भी रूस घूमने के लिए जाता है उससे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो किसी दूसरे देश में आया है, बल्कि यहाँ के लोगों के बीच उससे अपनापन ही देखने को मिलता है। रूस की कुल आबादी की बात करें तो यहाँ के टोटल पॉपुलेशन है 14,34,00,000 और इनमें से कुछ मुसलमानों की संख्या है 1,46,08,405, यानी पूरे रूस में 14.6 मिलियन मुस्लिम लोग देखे जाते हैं। साथ ही यहाँ पर क्रिश्चियंस और दूसरे धर्म के लोग भी बहुत रहते हैं। रूस में इस्लाम 7वीं शताब्दी में आया है। आपको बता दें कि रूस में लगभग 8,000 से अधिक मस्जिदें हैं और देश में 5,00,000 से अधिक धार्मिक मुस्लिम संगठन हैं। जैसे अगर मिलिट्री की बात की जाए तो रूस की ताकत यहाँ की मिलिट्री सेना ही है। यही एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन पाए जाते हैं। इस देश से जंग करने से पहले हर देश 10 बार सोचता है और अमेरिका तो यहाँ के वेपन से बहुत ज्यादा खौफ खाता है, क्योंकि ये देश मिलिट्री को और मजबूत बनाने के लिए अच्छी खासी रकम जो खर्च करता है। किसी भी देश की ताकत उस देश में रहने वाले लोगों से होती है। यही लोग अपने देश को तरक्की की राह पर लेकर आते हैं, जिसमें मुसलमानों की आबादी भी शामिल है। रूस की राजधानी है मॉस्को। देश की खूबसूरती में कुछ अलग ही बात देखने को मिलती है और इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की लड़कियाँ, जो इस देश की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। ये देश आज लोगों की पसंद मन बैठा है। नॉर्थ मैसेडोनिया। अब जानते हैं दूसरे देश के बारे में जिसका नाम है नॉर्थ मैसेडोनिया। इस देश की आबादी की बात करें तो इस देश में कुल 20,00,000 से ज्यादा आबादी है। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ 590,878 लोग मुस्लिम हैं, यानी 32.17% आबादी मुस्लिम लोगों की ही देखने को मिलती है, जो देश की कुल आबादी के लगभग 1/3 हिस्सा है। यहाँ पर मुसलमान सुन्नी इस्लाम का पालन करते हैं। देश के उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी क्षेत्रों में मुस्लिम बहुमत है। यहाँ मुसलमानों का एक बड़ा बहुमत जाति अल्बेनिया है, बाकी मुख्य रूप से तुर्क, रोमेनी, बोस्नियाक और टॉबेस है। आपको बता दें कि इस देश में लगभग 600 मस्जिदें हैं, जिनमें से 580 अपने दरवाजे लोगों के लिए हमेशा खुली रखती है। नॉर्थ मैसेडोनिया अपनी सुंदरता, रहन सहन और अपने पिछले इतिहास के लिए जाना जाता है। इस देश में बहुत ही शांति सुकून देखा जाता है और ये दुनिया का एक ऐसा देश है जिसमें आबादी के वक्षण खून खराबा नहीं हुआ। इस देश में ऐसे बहुत से लोग देखे गए हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में काफी योगदान दिया, जैसे मदर टेरेसा, क्योंकि नॉर्थ मैसेडोनिया के लोग बड़े ही फ्रेंडली टाइप के होते हैं। आगे ऐसे ही और मुस्लिम देशों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बोस्निया। अब बात करते हैं यूरोप के एक ऐसे देश की जहां आधी आबादी मुस्लिम लोगों की ही है, यानी आप कह सकते हैं कि इस देश में आधी लोग मुस्लिम हैं और आधे दूसरे धर्म के। इस देश का नाम है बोस्निया। इस देश के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, कुछ लोगों को तो आज तक इसका पूरा नाम ही मालूम नहीं। बोस्निया कंट्री का पूरा नाम बोस्निया एन हर्जेगोविना है। यूरोप के दूसरे देशों के मुकाबले में इस देश को ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। साथ ही देश के व्यूज इतने लाजवाब हैं कि जो भी इस देश में एक बार जाता है वो बस यहीं का होकर रह जाता है। इसलिए यूरोप का ये देश पूरी दुनिया में सुर्खियों में बना रहता है। यहाँ पर एक से एक खूबसूरत झीले हैं, नहरें हैं, साथ ही इनके अलावा यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज और रहन सहन सभी दूसरे देशों के मुकाबले में काफी बेहतर है। चलिए बात करते हैं यहाँ के पॉपुलेशन की। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक बोस्निया देश की कुल आबादी 32.7 लाख है,
जिसमें से 1.8 मिलियन लोग मुस्लिम हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी में तुर्क एम्पायर ने बोस्निया पर विजय हासिल की। तबही से इस देश में इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू हुआ। इस देश में सिर्फ 3 जातियों के लोग देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है बोस्नियाक्स और तीसरे है कोइश। लेकिन जो बोस्नियाक्स लोग हैं वो ज्यादातर मुस्लिम धर्म को ही मानते हैं और इसी को फॉलो करते हैं। मुस्लिम बहुमत होने के चलते बोस्निया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत मस्जिद है। आंकड़ों के मुताबिक आज बोस्निया में 1912 मस्जिदें हैं। पहाड़ देखने को मिलते हैं। दरअसल देश के 70% हिस्से पर पहाड़ ही पहाड़ है। ये देश एरिया के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा 149वां देश है, लेकिन इस देश में ज्यादा पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलती। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कुल आबादी सिर्फ 28.1 लाख ही है, जिसमें से 80% लोग मुस्लिम हैं। यानी इस देश में 1.7 मिलियन आबादी मुस्लिमों की है। दूसरे देशों की तरह अल्बनी अकल अपनी अलग भाषा है, जिसका नाम है अल्बनिया, जो ये एक इंडियन यूरोपियन भाषा है। 15 शताब्दी में तुर्क एम्पायर ने अल्बानिया पर अपना विजय हासिल किया और तभी से यहाँ इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। 17 और 18 शताब्दी की दौरान यहाँ बड़ी संख्या में अल्बानिया लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ। दरअसल उस समय यहाँ ईसाई लोगों से ज्यादा टैक्स वसूला जाता था और इसे कारण लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करने का सोचा। सुन्नी समुदाय को अल्बानिया द्वारा मान्य परत है, जो अधिकांश मस्जिदों का चलन करता है। साथ ही में इस देश में 800 से करीब मस्जिदें भी है। भले ही अल्बानिया एक मुस्लिम बहुमत देश है, लेकिन दुनिया का एक ऐसा देश है जहां साल 1967 से लोग किसी भी भगवान को नहीं मानते। यहाँ के 90% लोग नास्तिक है। ये देश बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले में ये देश सबसे ऊपर है, क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर जनता पढ़ी लिखी होगी तभी देश के विकास में मदद मिल सकती है। इसलिए साल 2009 की लिटरेसी रेट थी लगभग 98.14%। अल्बेनिया के लोगों को अल्बेनियन कहकर बुलाया जाता है। भले यह इस देश का नाम अल्बेनिया है, लेकिन यहाँ के लोग इस नाम को नहीं मानते, जो है शकीपेरी। इस नाम को देने का मतलब वैसे तो बहुत सारे माने जाते हैं, लेकिन जिसके नाम पर यह रखा गया है वो है चेकीपोंजा, जो यहाँ की इगला है। अल्बेनिया की इगला को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। यही वजह है कि यहाँ के झंडे पर भी इगला ही देखने को मिलती है। अल्बानिया में सरकार को यहाँ की सड़कें पसंद नहीं आती। यही वजह है कि गूगल मैप भी अक्सर चकरा जाता है, क्योंकि यहाँ आए दिन सड़कें बदली जाती है। बदली देखने को नहीं देखती है। अगर यहाँ पर पश्चात पर देखने को नहीं देखती है, तो यहाँ पर पश्चात पर देखने को नहीं देखती है। इनमें से ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम है। संविधान के मुताबिक कोसोवो एक धर्म निरपेक्ष देश है, जहाँ हर तरह के धर्म को सम्मान की नज़र से देखा जाता है और यहाँ सबके लिए एक समान कानून है। कोसोवो देश में कुछ अलग ही नज़ारा और खूबसूरती देखने को मिलती है। साथ ये एक शांतिपूर्ण और खुशहाल देश भी है, जहाँ का माहौल लड़ाई जिगर या फिर क्राइम से कोसोवो दूर है। कोसोवो की आधी से ज्यादा आबादी गांव के इलाकों में रहती है। लेकिन हाँ, मुस्लिम धर्म से इस देश की पहचान होती है, तो कि देश में सबसे ज्यादा लोग मुस्लिम ही देखे जाते हैं। कोसोवो में भले ही मुस्लिम महिलाओं को सर ढक कर रहना पड़ता हो, लेकिन वो अपनी मर्जी से वेस्टर्न कपड़े भी पहन लेती है। यहाँ लड़कियों की पहनावे पर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोसोवो में बहुत ही सुकून और हरियाली देखने को मिलती है, क्योंकि इस देश का 40% हिस्सा जंगलों से घिरा। लेकिन इन जंगलों में ऐसा कोई भी जीव जंतु नहीं है जिससे लोगों कोई खतरा हो। कोसोवो पहले दूसरे देशों से जुड़ा था, लेकिन 17 फरवरी साल 2008 को ये सर्बिया से अलग हो गया और एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में सामने आया। इस देश में ज्यादातर अल्बेनियन और सर्बियन भाषा बोली जाती है। कोसोवो में रहने वाले लोग काफी शांत नेचर के होते हैं। जब कभी आप इस देश में जाएंगे तो आपको इस बात का खुद एहसास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आने वाले टूरिस्ट के साथ यह लोग सिर्फ अच्छा बर्ताव ही नहीं करते, बल्कि डेस्टिनेशन प्लेसेस पर उन्हें खुद ही ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे यूरोप के वो 5 देश जहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग देखे जाते हैं। वैसे आप किस देश में जाने का खूब देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको इसी तरह की मजेदार, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो बिना किसी रुकावट के मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकातों की नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।